जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो, ये भी डॉपलर इफेक्ट पर ही है। एक ऑब्जर्वर है हम लोगों के पास और मूविंग टुवार्ड ए स्टेशनरी सोर्स। चलो, एक ऑब्जर्वर दौड़ रहा है यहां पे, एक एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इधर दौड़ रहा है और टुवार्ड द स्टेशनरी सोर्स। ये जो साउंड का सोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो है, बराबर है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो दिया हुआ है 1/6 वेलोसिटी ऑफ साउंड v/5। अगर साउंड की वेलोसिटी v है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v/5 है। और साउंड मैं मान लेता हूँ ये इधर दौड़ रहा और इधर से साउंड आएगा तभी तो सुनाई देगा इसको, और ये v नॉट इधर आएगा, ये इधर जाएगा और इधर से साउंड आएगा इसके कानों में तो सुनाई देगा। द वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड, ये जो सोर्स है वो लैम्डा नाम की वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ रिकॉर्डेड बाई ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ मिलेगा। आप अगर डॉपलर इफेक्ट बेसिक पढ़े तो आपको पता है कि वेव लेंथ चेंज नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। इसमें वेव लेंथ चेंज हो गया, अपेरेंट वेव लेंथ, और इसमें भी वेव लेंथ चेंज हो गया, ये भी कभी सही नहीं हो सकता। मतलब बी ऑप्शन सही है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व करने की ज़्यादा इच्छा होती है तो अपनी इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको मिला एफ डैश इज इक्वल टू फार्मूला अपना बी माइनस बी ओ, और बी माइनस बी एस, ओ एस याद रखो यार, ओ एस ये। तो इसको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिला, साउंड की स्पीड में भी ले लेता हूँ, और साउंड इधर से आ रही है, ये सोर्स है, और जो ऑब्जर्वर है वो इसके अपोजिट जा रहा है, तो ये प्लस वी बाई फाइव आ जाएगा, एंड वी और वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो हो गया, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, मतलब ये आ जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करने के बाद 5 और 6, 6 बाई 5, तो एफ डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 फ्रीक्वेंसी एफ डैश, मतलब 0.125। तो 0.12 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दैट इज बी ऑप्शन सही है। समझ में?